पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही पर सोनिया गांधी भी काफी सख्त है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी को कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के सिंह चन्नी से पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर रिटेल रिपोर्ट ली है। सोनिया ने चन्नी से कहा कि पीएम मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। सीएम चन्नी ने सोनिया गांधी को जवाब देते हुए कहा कि जाँच कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गयी है और रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि देश के आक्रोश के बाद सोनिया गांधी की राजनीति आत्मा जागी है। और सोनिया गांधी के सख्त रुख के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा मामले पर कांग्रेस में 2 गुट हो गए हैं और सबके अपने अलग अलग मत हैं। आधे मिनट में देखिए यह पूरी रिपोर्ट। सोनिया गांधी ने तो पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर अपने ही मुख्यमंत्री से रिपोर्ट ले ली थी, लेकिन सोनिया की पार्टी के ही नेता ने इस मामले को सियासी रंग दे दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फिरोजपुर रैली में भीड़ नहीं होने पर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सुरक्षा के बहाने दलित सीएम को हटाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत ने सीएम चन्नी से मामले पर कैबिनेट बैठक बुलाने की मांग की। वहीं विधायक परमिंदर पिंकी ने डीजीपी को मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले सुनील जाखड़ भी सुरक्षा चूक पर चिंता जता चुके हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।